मोदी सरकार का नया प्लान, छोटे व्यापारियों को मिलेंगे केसीसी जैसे क्रेडिट कार्ड, होंगे अनेक फायदे। देश में व्यापार शुरू करने के लिए बैंकों से लोन लेना अब आसान होने वाला है। केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही व्यापार क्रेडिट कार्ड जारी करने के प्लान पर काम कर रही है। व्यापार क्रेडिट कार्ड से कारोबारियों को आसानी से बिना कुछ गिरवी रखे सस्ते दर पर लोन मिल सकता है। बता दें कि सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही लॉन्च कर सकती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDB को इसके नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। संसद की स्थायी समिति ने व्यापार क्रेडिट कार्ड को लेकर वित्त मंत्रालय और विभिन्न बैंकों से भी बातचीत की है। इस कार्ड की लिमिट 50,000 रूपए से लेकर 1,00,000 रूपए तक की हो सकती है, मतलब की छोटे व्यापारियों को 1,00,000 रूपए का लोन आसानी से ही कम ब्याज दर में मिल जाएगा। समिति ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पोर्टल पर रजिस्टर्ड उद्यमियों को ही व्यापार क्रेडिट कार्ड देने की सिफारिश की है। अभी भी लाखों उद्योग ऐसे हैं कि जो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। व्यापार कार्ड हासिल करने के लिए उद्यम मंत्रालय पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जल्द ही मिल सकती है हरी झंडी। व्यापार क्रेडिट कार्ड लॉन्च होने के बाद किराना दुकान चलाने वाले छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी। कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक छोटे और मझोले उद्योगों को ही नुकसान हुआ था। इस वजह से अब सरकार व्यापार क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर ऐसे उद्योगों को मदद करने की कोशिश कर रही है। संसद की स्थायी समिति ने इसके लिए सिफारिश की है। खबरों की माने तो सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया है और अब जल्द ही इस स्कीम को हरी झंडी मिल सकती है। बैंक तय करेंगे कि लोन की रकम क्या होगी। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 6,30,00,000 लघु हैं और 3,31,00,000 छोटे उद्योग हैं। समिति ने सिफारिश की है कि किसी व्यापारी या उद्यमों को कितना लोन दिया जाएगा, ये बैंक ही तय करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लॉयल्टी पॉइंट, रिवॉर्ड, कैशबैक और अन्य फायदे भी व्यापारियों को दिए जा सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर जुड़ेंगे नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा।